जनपद संभल के चंदौसी में एनआरएमयू ने रेलवे द्वारा कटवाए जा रहे पेड़ों का विरोध करते हुए सहायक मंडल अभियंता के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर रेलवे के द्वारा लगभग 400 पेड़ों को कटवाने के लिए नीलामी की गई, जिसे ठेकेदार ने लगभग 11 लाख रुपए में खरीद लिया। जब इस बात की जानकारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने सहायक मंडल अभियंता के कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर उनकी सहायक मंडल अभियंता सुखबीर सिंह से नोकझोंक भी हुई। इस विषय में एनआरएमयू के पदाधिकारी ने बताया कि इस नीलामी में ऐसे पेड़ों की भी नीलामी कर दी गई जिस पर मौसम में फल आते हैं या फिर लोगों द्वारा पूजा की जाती है। वहीं इस विषय में सहायक मंडल अभियंता सुखबीर सिंह ने कहा कि पेड़ों की नीलामी वन विभाग और सर्वे टीम के द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही की गई है। अभी हम लोग इसी मुद्दे पे उनसे बात करने के लिए गए। एएन साहब ने कहा कि अभी आप लोग 10 मिनट इंतज़ार करिए। हम लोग 10 मिनट इंतज़ार करने के लिए तैयार थे कि ठीक है, आप 10 मिनट बाद, हम 15 मिनट बाद बात कर लीजिए। लेकिन वो एक तरह से गेट आउट की मुद्रा में थे कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। हम लोगों ने कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं, आप मीटिंग कर लीजिए, हमको 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, 15 मिनट बाद के बात कर लेंगे। लेकिन वो इस बात पे नहीं माने और हठधर्मिता का परिचय देते हुए वो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि अपना चैम्बर छोड़ करके बाहर भाग लिए। सच्चाई ये है कि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, वो हठधर्मिता पे उतारू हैं और वो जो है मनमानी करने पर उतारू हैं और अनावश्यक रूप से ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य सब कार्रवाई की जा रही है। आपने बताया कि कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ पूजनीय वृक्ष हैं जिनको काटा जा रहा है, क्या कौन कौन से वृक्ष हैं आप बताएंगे? सर इसमें यहाँ पे देखिए लिस्ट लगी हुई है लोकेशन वाइज और पेड़ों की कमोडिटी वाइज। इसमें सर देव वृक्ष जैसे हिंदू मैथोलॉजी में पीपल का पेड़ है, शनिवार को हर अमीर गरीब वहाँ दिया जलाता है। आप कॉलोनी में सर्वे करके देख सकते हैं कि ऐसे पेड़ जहाँ पे चबूतरा बना करके सुबह शाम शनिवार को सुबह तिल चढ़ाए जाते हैं या शाम को दिया जलाया जाता है, वो भी इनके कटौती की लिस्ट में शामिल है। कटहल के पेड़ जो कि कहीं से अनसेफ नहीं है, उस पर कुंटलों पे फल आते हैं सीजन में, उसको भी काटने का प्लान है इनका। आम के पेड़ जिसपे कई कुंटलों फल आते हैं सीजन में, उसको भी काटने का प्लान है। जामुन के पेड़, बेर के पेड़ हैं, ये सारे पेड़ ये काटने को उतारू हैं एक तरफ से पूरी कॉलोनी को। ये भी इनके पास में जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है 600 कुछ पेड़ों का प्लान है। अच्छा, क्या इन्होंने किस तरह से परमिशन ली, क्या लिख दिया? इन्होंने देखिए प्रशासन को हर सिंस बिगनिंग गुमराह किया गया है। प्रशासन को लोकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है, जो सर्वे टीम होती है उसको पता होता है कि पेड़ डेंजरस है या नहीं है। ये वन विभाग से इन्होंने परमिशन ली खतरनाक पेड़ों का कटान, ठीक है। मंडल कार्यालय को जिसकी ये बात कर रहे हैं वहाँ भी इन्होंने यही भेजा, हेडिंग भेजा कि खतरनाक और जो मेच्योर पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। इस इनके झांसे में आकर के वहाँ वन विभाग ने भी परमिशन दे दी। इसी झांसे में आकर के परमिशन देने से पहले सर्वे नहीं किया, चेक नहीं किया कि पेड़ किस तरह के कैसे हैं? वन विभाग ने इनको, चूँकि ये लोग एक अथॉरिटी लिख रही है, आम आदमी लिखता है तो वन विभाग एक बार को थोड़ा बहुत उसको तहकीकात करता है, लेकिन एक अथॉरिटी लिख रही है, रेलवे डिपार्टमेंट एक रिपूटेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनकी बात का भरोसा कर लिया। अभी हम DFO के पास भी जाएंगे, DFO साहब से भी अपना विरोध हम दर्ज। मैं रेलवे से हूँ, मैं DFO साहब के पास भी हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, हम अपनी बात हर फोरम पर रखेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। ये मामला तो एक्चुअली जिस तरीके से ये लोग आए, मैंने इनको बड़े सभ्य तरीके से बताया था कि भाई मेरी एक मीटिंग चल रही है और 10 मिनट बाद आप जो है आ जाइएगा और जिस मुद्दे पर भी आप बात करना चाह रहे हैं आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ये नारेबाजी करके और असभ्य तरीके से एकदम दरवाज़ा खोल के घुसे, वो थोड़ा सा नागवार था और वो एक सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रक्रिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा इनका। तो नाराज होकर उठ के जाने की वजह क्या रही जो आप एकदम अपनी सीट छोड़ के ऑफिस बंद करो आपने कहा? मैंने उनको ये बोला था कि भाई आप लोग जो है 10 मिनट बाद आ जाओ, मैं आपकी सारी बात करूँगा, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं हुए और वो बैठे कि हम यहीं बैठेंगे, आप जो करना करते रहें। तो वो कुछ मीटिंग ऐसी होती हैं कि वो सबके सामने नहीं हो सकती हैं, वो अपनी विभाग की मीटिंग थी, इसलिए मैंने जो है ये बोला कि भाई ठीक है आप अपना बैठो, मैं बाहर निकल जाता हूँ। जैसे कि मेंस यूनियन के लोगों ने आप पे आरोप लगाए कि आपने कुछ पेड़ों के कटान की परमिशन ली है, जिसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो फलदार हैं और कुछ पूजनीय पेड़ हैं जिनको काटा जा रहा है, जो कि नहीं काटे जाने चाहिए, उनका कहना है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए पेड़ तो कोई भी किसी भी प्रजाति का पेड़ हो, चाहे वो पूजनीय है या बिना पूजनीय है, जब वो पेड़ भारी भरकम हो जाता है, यदि वो गिरता है किसी मकान के ऊपर गिर जाता है, तो वो पेड़ नुकसानदायक ही होता है।
और पिछले वर्ष जो है बरसात में कुनरकी स्टेशन पे एक पीपल का पेड़ क्वार्टर के ऊपर गिरा था, जिसकी जो है छत और एक कमरा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इसलिए जो पूजनीय पेड़ हैं डेंजरस वो भी होता है, यदि वो किसी के ऊपर गिर जाता है तो जानलेवा वो भी हो सकता है। इसलिए इस तरह के सभी पेड़ों को जो है लिया गया है, उसके साथ में बड़े पेड़ के आसपास जो छोटे पेड़ हैं, क्योंकि जब पेड़ गिरता है तो उसके साथ में कुछ छोटे पेड़ भी गिर जाते हैं और उनको अक्सर व्यापारी उठा के ले जाते हैं। इसलिए इस तरह के पेड़ भी आसपास के ले लिए गए हैं कि जो पेड़ गिरेंगे बाद में, फिर इसमें कंप्लेंटबाजी होती है कि भाई उसको पेड़ तो दिए गए थे 20 लेकिन ये तो 40 पेड़ गायब हो गए यहाँ से। तो इसलिए जो है वो कुछ इस तरह के पेड़ भी लिए हुए हैं जो बड़े पेड़ों के आसपास के पेड़ हैं। सर ये भी आरोप लगाया गया है कि जो लागत है वो कम है और जो नीलामी के पेड़ हैं वो करोड़ों रुपए में हैं और नीलामी कम रुपए में हुई। देखिए इसमें लागत के मामले में पेड़ों के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसमें जो एक्सपर्टीज होते हैं वन विभाग के लोग होते हैं और वन विभाग के जो लोग होते हैं वही इसकी नीलामी की मतलब जो है कीमत वैल्यूएशन वही निर्धारित करते हैं और वो प्रक्रिया पूरी वन विभाग से वैल्यूएशन लेके और नीलामी की प्रक्रिया की गई है। कुछ सरकारी रेट भी होता है क्या नीलामी में, क्या इस रेट में वन विभाग वाले निर्धारित करते हैं? अच्छा, उनको जो हमारी तरफ से एप्लीकेशन भेजी जाती है वो यही भेजी जाती है कि पेड़ों के कटिंग की परमिशन वह वैल्यूएशन दें।